गुड मॉर्निंग भाई, सबको फिर से एक बार सुबह की है। राम राम। हो गई है नई सुबह और ऊपर वाले का बहुत बहुत थैंक्स एक नई सुबह की जिंदगी देने के लिए, एक अच्छा सा परिवार देने के लिए, अच्छे अच्छे आप जैसे दोस्त देने के लिए और नई नई जगह घुमाने के लिए। तो यार मैं तो उठ करके लगभग कितना 6:15 पे शायद उठ गया था, टाइम देखा नहीं। फिर आया, पानी पिया, जिया जी भी आ गए थे नीचे, फिर दोनों ने पानी पिया और फिर मैं चला गया था अपने नए वाले घर की तरफ पे। थोड़ी देर वहीं एक्सरसाइज की, अब डाउन कर रहा हूँ पैदल पैदल, ताकि आदत बनी रहे दीदी लोग के आप आने जाने की। नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, आपको अभी दिखाऊंगा कभी। मतलब मुश्किल से 2 मिनट की वॉकिंग है हमारी, अगर मैं ऐसे स्पीड में जाऊँ थोड़ी सी तो 2 मिनट में पहुँच जाता हूँ। फिर वहाँ से लेके आया एक चीज़ जिसकी बनती है चाय। इसमें जब नींबू डाला ना मैंने, हल्का सा 2 बूंद, अब देखो यार, अब आया है इसका एक्चुअल कलर। ये देखो, ये आ गया पर्पल कलर, एकदम से हल्का नीले से एकदम पर्पल हो गया, थोड़ा सा नींबू डालते ही लग रहा ना मस्त एकदम। क्या बात है! और ये चाय है, बिना चाय पत्ती की चाय जो हमारा काढ़ा है। बज गए 11 और सुबह से घनचक्कर करके घूम रहा हूँ। कभी वहाँ पेंटर बुला देते हैं, कभी सफाई वाले बुला देते हैं, हालत स्थिति बहुत दयनीय है अभी काम काम में। तो अब समझ पा रहा हूँ जिनके मकान बनते हैं वो क्यों इतने चिंगाट में रहते थे बेचारे। नहीं, मैं तो खाली रिनोवेट करवा रहा हूँ, रिनोवेट भी क्या, हल्का सा काम करवा रहा हूँ। अच्छा चलो, ये सब तो होता रहेगा। अभी मंडी गया था, बड़ी मंडी से घर के लिए लेके आया हूँ लगभग 2 पेटी सेब, 2 पेटी केले, 2 पेटी अनार, 2 पेटी अनानास, तरबूज। तो ये सब चीज़ें लेकर के भेज रहा हूँ घर को। अभी आ रहे हैं भोपालदा, तो उनके हाथ से घर को भेज दूंगा। आज से है वहाँ भागवत शुरू, तो ये भगवान जी को चढ़ावा परिवार की ओर से और मेरी दीदी की ओर से, ठीक है। और दूसरा, एंजेली और मैंने डिसाइड किया है कि हम पियेंगे चुकंदर का जूस। ये देखो, बर के बिल्कुल चुकंदर, इसमें डल चुका है नींबू। अरे नमक है, नमक भी डाल इसमें। बस 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 डाल दो बस। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है नहीं, होगा तो सही, क्यों नहीं होगा, पी ही लेंगे जैसे भी हो। अरे यार इसको निचोड़ना था ये। अभी ये जो बीटरूट का जूस है कुछ है, कपड़ा वपड़ा है, अरे वो तो मैं निचोड़ दूंगा, उसका टेंशन नहीं ले रहा हूँ। दो तो सही होगा। तो यार मैं तो बैठ गया हूँ खाना खाने के लिए, और सच में भाई इतनी भूख लगी थी। मंतू को फोन किया था तो मेरे से कह रही ना आज भटके चोड़ खाने बना रखी है। मैंने कहा तेरे कहने से ना मेरे को मज़ा आ गया खाने का, नाम सुन के ही। और जैसी दीदी ने खाना दिया ना, ये देखो, तो भाई आधा खाना निपटाने के बाद मैंने कहा उसके बाद बात होगी भी, या जिससे होगी अभी नहीं। तो वास्तव में यार भूख क्या चीज़ होती है, वो भूख लगने के बाद पता लगता है। तो इसीलिए खाने में ना, जो खाने की थाली है उसमें खाना बर्बाद मत क्या करो कभी ना, 2-3 दिन भूखा रह के देखना, आपको मालूम पड़ जाएगी कि खाने की वैल्यू क्या है। तो चलो हम तो निपटाते हैं फिलहाल। तो यार अब हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ, घर का कर दिया सारा काम। आज बहुत ख़राब रहा दिन, मतलब आज सर दर्द भी होगी, पता नहीं किसकी नज़र लगी यार, राम जाने क्या हुआ। फिर दीदी ने नज़र उतारी तो ठीक भी हो गया यार। ठीक हो रहा? हाँ बहुत सही लग रहा पहले से, पता है उसी समय जब उसने दीदी ने नज़र उतारी ना, मतलब बॉडी बहुत हल्की सी फील करने लग गई थी। और कल है दीदी का बर्थडे, तो आज दीदी को जा रहे हैं सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए एक, और अभी करेंगे केक ऑर्डर का क्या कर रखा है ऐसे ही, तो वाला ले आते हैं ना, वो वाला केक। हम लोग पिछले आधे घंटे से चुकुर 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 चल रहा है बस प्रोग्राम, ऐसे बस ऐसे जा रहे हैं। और शिट, सिंपल एंड सोबर ये वाला ना यार, ये शॉपिंग करना ना महाभारत होती है सच में। अभी दीदी की शॉपिंग के लिए आए हैं और एक चीज़ देखो, दो चीज़ देखो, दीदी के लिए सोच रहे लें क्या, तो सोचा ना सूट लेते हैं एक अच्छी सी, तो आए हैं बीबा पे अभी। तो यार एक जगह से तो आ गए वापस। अंजलि कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ का तेरा? नॉट गुड, मतलब 6,500 में इतनी थर्ड क्लास मिल रही थी ना एक, और सूट इतना महंगा मिलने का कोई वर्थ नहीं है, साड़ी इतनी चल जाती है, वो सूट तो मतलब ओवर था वो। वास्तव में डिस्काउंट करके वाले रेट में भी 2,000 रुपये बढ़ा रखे थे इन लोगों ने। चलो अब चलते हैं एक दूसरी जगह पर यार। ये आते हैं मीना बाजार, मीना बाजार ही से एक ही है।
अरे वाह, कलर बहुत प्यारा लग रहा है इसमें, चमकते रहेगी दीदी इसमें। तो यार हो तो गया काम, और एक बार बार सिलेक्शन बिना बाजार इज द बेस्ट, मतलब यहाँ इतने अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, चॉइस मिलती है ना। तो यार अब निकल पड़े हैं चप्पल लेने के लिए, चप्पल स्लीपर्स नहीं होता वो, चप्पल हाँ, कहाँ के लिए, बाथरूम के लिए, बाथरूम नहीं होता, गोसल होता है वो, गोसल के लिए। तो यार अंजी और पहुंच गए दीदी के लिए लेने के लिए आइसक्रीम, रेड वेलवेट, वही सही है। चलो भैया, हेलो भैया, क्या लें यार, एक रेड वेलवेट कर देना, केक भाई के इसकी बस, थैंक यू, बर्थडे। हाँ यार और कुछ कुछ कर सकते हो तो सब कुछ कर दो इसमें, जो जो हो सकता है ऐसा है, कैंडल भी दे दो यार, अब हम आ गए हैं घर पे और दीदी को बताने नहीं कि दीदी के लिए लिया है गिफ्ट, तो अंजलि लेके जाएगी केक और मैं लेके जाऊंगा चप्पल और उसका थैला, तो ताकि दीदी को शक ना हो बिल्कुल ही। चलो तो भैया रात के बज गए हैं 12 और हो गया है दीदी का बर्थडे टाइम, हैप्पी बर्थडे टाइम। ये देखो भिंजू भी आ गए ऊपर से नीचे और यहाँ चल रही है तैयारी, हैप्पी बर्थडे टू यू की। ये देखो मेरी दीदी का बर्थडे, कौन सा वाला, तो ये चलिए अब ठीक है। ये देख इट्स हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो भैया अंजलि तो पसार के पांव बैठ गई और हम बैठ गए यहाँ पर पांव पसार के। कर रहे हैं कैप्चर हो रहा है वो, खोलो प्यारी सी दीदी, थैंक यू। तू दो कटोरी क्यों ले रही है, क्योंकि मम्मी ने बोला मैं नहीं खा रही हूँ। ऐसे दिखाओ ब्लॉगर्स, मतलब ऑडियंस को, ये मेरे भैया ने दे रखा है, खोल के देखो यार इसको, पहन के दिखाऊंगी ना। तो ये दीदी का बना दिया बर्थडे, अब हो गया उज्जवल के आने का टाइम और घर में केवल अंजलि और मेरे को पता है, तो अब जा रहे हैं और उज्जवल को थोड़ी देर में लेके आते हैं और मिलते हैं आपसे कल उज्जवल के साथ। चलो तब तक बाय बाय। तो भैया ये चल दिए हम उज्जवल भैया को लेने के लिए और तो भैया इस बस में आ गया हमारा उज्जवल और ये पहुंचा उज्जवल, वेलकम उज्जवल, वेलकम।
अरे ये देखो ये आया मेरा शेर। प्रणाम। तेरे ब्रो कैसा है? बढ़िया मजेदार। अरे तेरे को बहुत मिस किया यार, चला जा।